संडे दोपहर 12 बजे, लेकिन मैं यहां बैठा क्यों हूं? तो कहानी की शुरुआत होती है आज सुबह 8 बजे। जब मैं निकला कहीं जाने के लिए, लेकिन कहां? एक ऐसी जगह जिसने ना सिर्फ इस शहर के सपनों को पूरा किया है, बल्कि दुबई में आने वाला हर मुसाफिर अपने सफर की शुरुआत यहीं से करता है। कहानी सबकी एक जैसी है, बदलते हैं तो सिर्फ चेहरे। किसी शहर का पास्ट कितना फैसिनेटिंग हो सकता है, इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है दुबई। पर्शियन गल्फ में सिचुएटेड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का ये शहर जितना अपनी मॉडर्न डे लाइफ, हाई राइज बिल्डिंग्स और फ्यूचरिस्टिक फील से दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींचता है, उतनी ही खूबसूरती के साथ आज भी इस शहर ने अपनी माजी की दास्तान डेरा और बर दुबई की पुरानी इमारतों और इनके अंदर रचे बसे रिवायती सूख बाजारों में संजो कर रखी है। अब सूख क्या होता है? ये गहरा सवाल है। तो देखो, जब दुनिया भर के व्यापारी पुराने जमाने में अपना माल दुबई बेचने आते थे, तब शॉपिंग मॉल्स तो थे नहीं। हाँ, बस तब यही सूख बाजार उस वक्त के शॉपिंग मॉल्स हुआ करते थे। With few modern touch-ups, Dubai souks are still has a charm to take you on the traditional and cultural journey where it all started. Especially the spice souk, जहां आज भी बोरियों में बिकते ये एक्सोटिक मसाले और हर्ब्स और इनकी खुशबू से महकते ये बाजार दुबई जैसे मॉडर्न शहर में अनएक्सपेक्टेड है। जैसे कि परफ्यूम सूक, जहां सैकड़ों मुख्तलिफ स्टॉल्स में मौजूद इन हजारों इत्रदान से निकलती महक आपको अपनी गिरफ्त में ले लेने के लिए काफी है। जहां एक तरफ है खुशबू से महकते बाजार, तो दूसरी तरफ है मैजिक, द मैजिक ऑफ पर्सनलाइज्ड परफ्यूम मेकिंग। ये खुशबू के जादूगर बस चंद लम्हों में ही आपको आपकी मर्जी के मुताबिक कोई भी खुशबू बनाकर दे देंगे। नो डाउट परफ्यूम सूक इज सच अ वंडर इन द सिटी ऑफ दुबई, बट दे से योर दुबई ट्रिप इज इनकम्प्लीट विदाउट पेइंग अ विजिट टू द सिटी ऑफ गोल्ड, गोल्ड सूक। वॉकिंग थ्रू दिस ग्लिटरिंग बाजार, आई एम फैसिनेटेड टू सी द वास्ट कलेक्शन ऑफ गोल्ड एंड ज्वेलरी। In fact, it is one of the oldest and most fascinating market in the Emirates. Established in early 1900, Dubai Gold Souk is not just one of the oldest but also stand out as an extraordinary gold market on a global scale. दुनिया में जब जब शहर बसे हैं, वहां एक चीज कॉमन रही है, पानी। क्योंकि जहां पानी वहां हलचल। अब दुबई के खारे पानी से प्यास तो बुझ नहीं सकती, और रेगिस्तान में खेती मतलब ऊंट के मुंह में जीरा। हाँ, वो तो किया जा सकता है। तो बस वक्त के साथ दुबई क्रीक भी ट्रांसपोर्ट का हब बना, जहां एक छोर से दूसरे छोर तक सामान और लोगों को पहुंचाने के लिए जन्म होता है इस बोट का, जिसे कहते हैं आगरा।
अरबी भाषा का लफ्ज़ आबरा मतलब टू क्रॉस। आज भी हजारों लोगों की नैया सिर्फ एक दिरहम में पार लगाती है। क्रीक के वेस्ट साइड पर लोकेटेड बर दुबई मतलब मेन लैंड ऑफ दुबई। जितना अपनी हिस्ट्री के लिए जाना जाता है उतना ही अपनी तंगलियों और मसरूफ चौराहों के लिए भी मशहूर है। भीड़ भड़के से भरपूर यहाँ की तंगलियां जाकर खुलती हैं एक इम्पॉर्टेंट हेरिटेज साइट अल फहीदी फोर्ट पर। कहा जाता है अल फहीदी फोर्ट वॉज ओरिजिनली बिल्ट इन 1787 और इस फोर्ट से ना सिर्फ कभी दुबई पर हुकूमत की जाती थी बल्कि दिस वॉज ऑल्सो द डिफेंस सेंटर ऑफ दुबई। बट लेटर ऑन इन 1971 द फोर्ट वॉज कन्वर्टेड इन टू दुबई म्यूजियम शोकेसिंग दुबई's हिस्ट्री एंड हेरिटेज। अनफॉर्चुनेटली रेनोवेशन की वजह से दिस फोर्ट इज टेम्पररली क्लोज्ड। बट मेरी जर्नी कहाँ रुकने वाली थी, माई नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज अभी ओल्ड दुबई के सफर में एक और मोती टटोलना बाकी है। दुबई क्रीक के किनारे 1.8 किलोमीटर पर फैला यह वाटर फ्रंट वॉज वंस अ डाइविंग पोर्ट फॉर फाइंडिंग पर्ल्स। लेकिन आज अल सीफ सर्व एज अ विंडो टू एमिरेट्स डीप हेरिटेज। Every building in Al Seif has been given an old school makeover to take you back to Dubai's past. यहाँ की तंगरियाँ, रिवायती सूक बाजार, और बाजारों के इर्द गिर्द ये घर रस्टिक एंड मडी, और इन आशियानों पर लगे ये ट्रेडिशनल विंड टावर्स ब्राजील आर नॉस्टैल्जिक एनफ टू टेक यू बैक टू ओल्ड टाइम्स। ओल्ड दुबई इज अ लिविंग एग्जांपल ऑफ हाउ द सिटी इज यूज्ड टू बी। तो अभी भी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अरे लेकिन नेक्स्ट वीडियो आएगी कब? बहुत जल्द। अरे लेकिन कब?